हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है हमारे पास, रितु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु है वो कैन जा सकती है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर। 2 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। कोई भी हमारे पास रिवर है जिसे उसके अंदर जब हम तैराकी करते हैं तो उसमें जो चलते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया रखा है कि धारा के साथ जा रही है, धारा के अपोजिट है। अब ये धारा के साथ जिस साइड हमारा बहाव है अगर उसी साइड जा रही है तो वो क्या कर कितना टाइम है, 20 किलोमीटर जा रही है इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। एंड अपस्ट्रीम अगर अपोजिट चलती है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है इन 2 आवर्स 2 घंटे में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, उसके में स्पीड फाइंड करनी है इन स्टील वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, कि नॉर्मल जो पानी है उसके अंदर उसकी स्पीड क्या है और किस स्पीड से वो चल रही है, वो हमें फाइंड करनी है। अब जो हमें इन क्वेश्चंस के अंदर जो हमें फाइंड करना है उसको हम पुट करके चलते हैं, तो उसको पुट करने के लिए हमने क्या किया, दोनों को पुट कर लिया। लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, रितु की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है उसकी, x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा किस दिशा किस गति से बह रही है उसकी हमने स्पीड क्या ले ली, y किलोमीटर पर आवर, कि जो धारा है जो बहाव है पानी का वो किस स्पीड से है, y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद स्पीड ऑफ रितु वाइल ड्रॉइंग अपस्ट्रीम, जब अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम क्या है, अपोजिट साइड है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स माइनस वाई, कि जिस स्पीड से वो अपनी तैराकी की स्पीड है जो उसकी, उसमें से हम धारा की स्पीड को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो धारा को काट के आ रही है, तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, एक्स माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम क्या है, धारा के साथ है। डाउन स्ट्रीम हमारा क्या है, धारा के साथ। अगर वो धारा के साथ साथ चल रही है तो उसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ तो वो बहाव के साथ चलेगी, इसीलिए हमने क्या कर दिया, उसकी स्पीड को हम प्लस करेंगे, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि x प्लस y किसकी स्पीड है डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, कितने टाइम में, 2 आवर में। ये हमारे पास कितने टाइम के लिए, ये तो 1 आवर के लिए निकालना है हमने, पर आवर के लिए निकाल रखे ना, तो 2 आवर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × x + y = 20। 2 को इधर लेके आएंगे, 20/2 क्या आ जाएगा, 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। इसी तरह फिर हमारे पास क्या है, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है इन 2 आवर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इज इक्वल टू क्या रखा, 4। 2 को इधर लेके आएंगे, डिवाइडेड बाय 2 जा 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, x x क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12। 2x का 2 उधर लेके जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 6 जा 12, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास से 6। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया 6, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 4। तो हमारे पास स्पीड, रितु स्पीड इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में रितु की स्पीड हमारे पास क्या आई, 6 किलोमीटर पर आवर। एंड रितु स्पीड ऑफ एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास कितनी आई, 4 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सेकंड। सेकंड में हमारे पास क्या दे रखा है, 2 वुमेन एंड 5 मैन। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 2 वुमेन और 5 मैन मिलके किसी काम को करते हैं तो 4 दिन के अंदर काम कंप्लीट करते हैं। वाइल जबकि 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। अगर 3 वुमेन है और 6 मैन है तो वो उस काम को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं।
फाइंड द टाइम टेकन बाई वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाई वन मैन अलोन. हमें फाइंड करना है कि एक औरत और पर अकेले काम करते तो वो कितने टाइम में उस काम को फिनिश करेगी, और अगर एक आदमी अकेला उस काम को करता है तो वो कितने टाइम में उसको फिनिश करेगा. तो मैं हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, जो हमें फाइंड करना है उसको हम क्या करके चलते हैं, लेट. तो इसको हम मान के चल पड़ेंगे कि वन वुमेन का लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए वोमेन. मान लिया एक वोमेन काम को ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लेती है, एक्स डेज. नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए मैन, मैन कितना टाइम लेता है, वाई. और उसके बाद हमारे पास वर्क डन बाई ए वोमेन इन वन डे, एक औरत ने एक दिन में कितना काम किया, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये तो उसने टोटल काम किया था. मान लिया कोई और 10 दिन में एक काम करते तो उसने एक दिन में कितना काम किया, टोटल का 1/10 आ जाएगा ना. तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, 1/x. वर्क डन बाई ए मैन इन वन डे, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, रेसिप्रोकल हो गया 1/y. अब दोनों का एक एक दिन का हमने निकाल लिया. फिर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, उसमें क्या दे रखा है कि टोटल हमारे पास कितनी वुमेन है, 2 वुमेन है एंड 5 मैन है. 2 वुमेन इट मीन्स इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2/x, और 5 है तो 5/y आ जाएगा. और कितने दिन में, ये तो उनका एक दिन का काम हो गया सभी का, और वो कितने दिन में काम कंप्लीट करती हैं, 4 डेज में. और कितना काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट मीन्स 1. 4 को उधर लिख के जाएंगे, 1/4 आ जाएगा. इधर आएगा 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4. इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया. इसी तरह फिर सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन है कि 3 वुमेन एंड 6 मैन. 3 वुमेन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/x प्लस 6 मैन, 6/y. और कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 3 डेज में. इसको उधर लेके जाएंगे, 1/3 हो जाएगा. इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हमारे पास दोनों में कॉमन देखते हैं क्या, 1/x 1/y. यहाँ भी क्या है, 1/x और 1/y. तो हम क्या करेंगे, 1/x को p पुट कर लेंगे एंड 1/y को क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2p प्लस 5 क्या इज इक्वल टू 1/4. 4 को उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 2 = 8p प्लस 4 × 5 = 20 q. इसी तरह इसके अंदर भी पुट कर लेंगे, हम इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3p प्लस 6 q इज इक्वल टू 1/3. 3 को इधर लेके आएंगे, 3 × 3 = 9p प्लस 18 q इज इक्वल टू 1. अब हम इसको करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p/-20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -20 प्लस 18 क्या आ जाएगा, -2. इसी तरह क्या हो भाई, -9 माइनस माइनस प्लस 8 क्या आ जाएगा, -1. 1/ इसमें से माइनस करें, -36 आया. इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को इक्वल पुट करेंगे, p/-2 इज इक्वल टू 1/-36. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2 × 1 = 2 से कैंसिल कर दिया, 18. 1/18. अब p हमारा किसके इक्वल था, 1/x के इक्वल था, तो 1/x इज इक्वल टू 1/18. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 18. इसी तरह सेकंड और थर्ड को इक्वल रखेंगे, क्या हो भाई, -1 इज इक्वल टू 1/-36. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो इज इक्वल टू 1/36. क्या हो हमारे पास, क्या था, 1/y, और 1/y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/36. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 36. हैंस नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए वोमेन, तो एक वोमेन है वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, 18 डेज में. बट अगर एक मैन है तो वो उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 36 डेज में. नेक्स्ट है थर्ड, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस. रूही ट्रैवल कर रही है 300 किलोमीटर के लिए, और कुछ वो ट्रेन से कर रही है सफ़र और कुछ वो बस से कर रही है ट्रैवल. सी टेक्स 4 आवर, वो 4 घंटे लेती है, कब, इफ़ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से किया, एंड रिमेनिंग बाई बस, और जो बचा हुआ था
ट्रैवल डिस्टेंस उसकी वो उसने बस से की, तब उसका कितने में कवर करती है वो 4 आवर्स में। इफ़ सी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती हैं एंड रिमेनिंग बाई बस और बचा हुआ बस से करती हैं, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो वो पहले से 10 मिनट ज़्यादा लेती है, इट मीन्स 4 आवर 10 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, सेपरेटली हमें फाइंड करना है कि ट्रेन की स्पीड क्या थी एंड बस की स्पीड क्या थी। लेट करके चलेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, मान लिया ट्रेन की स्पीड क्या थी आपके पास एक्स। लेट द स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड हमारे पास क्या ले ली हमने वाई किलोमीटर पर आवर। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि फर्स्ट में 60 किलोमीटर वो ट्रेन से करती हैं और बचा हुआ जो है वो बस से। 60 किलोमीटर ट्रेन से करती है तो कितने टाइम में करेगी, 60 बाई एक्स, क्योंकि हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम दे रखा है, तो हम टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। अब हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, उसने ट्रेन से 60 किलोमीटर कवर की और किस स्पीड से की है, एक्स स्पीड से, तो क्या आ जाएगा 60 बाई एक्स प्लस जो बचा हुआ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी थी 300 में से हमने 60 तो कवर कर ली, अब हमारे पास कितनी बची डिस्टेंस 240 उसने किस से कवर की है, बस से, तो बस से उसकी स्पीड क्या आएगी 240 बाई y इज इक्वल टू दोनों का जो टाइम है वो मिलाकर उन्होंने कितना टाइम लिया 4 आवर्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लिया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन में दे रखा है आपको कि 100 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर करती है तो 100 बाई एक्स आ जाएगा प्लस, अब कितनी बच गई हमारे पास डिस्टेंस, टोटल 300 थी, 100 हमने कवर कर ली, कितनी बची 200 बाई वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास कैसे है, उन्होंने बोला है कि पहले से 10 मिनट ज़्यादा लेती है तो 4 आवर्स तो हमारे पास हैं ही, प्लस कर देंगे हम उसके अंदर 10 मिनट को कन्वर्ट करेंगे, 4 एज इट इज रहेगा, 10 मिनट को हमने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4 + 1/6, एलसीएम ले लेंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 × 4 = 24 + 1 क्या आ जाएगा 25/6, तो हमारे पास कितना है 25/6। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड लिया। अब हम पुट कर लेंगे 1/x और 1/y, पुटिंग 1/x इज इक्वल टू पी एंड 1/y इज इक्वल टू क्यू, इसमें क्या आ जाएगा 60p + 240 क्या वो इज इक्वल टू 4, सेकंड आ जाएगी 100p + 200 क्या वो इज इक्वल टू 25/6। अब 6 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 600p + 6 = 1200 क्या वो इज इक्वल टू 25। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 पुट कर दिया। इक्वेशन 3 को हम अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 600 हो जाएगा और ये भी क्या है 600, इसीलिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/10, इक्वेशन 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 600p + 240 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2400 क्या इज इक्वल टू 4 और 10 की 40। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 5 है, ये हमारे पास ये इक्वेशन 4 है, ये 5 है, सॉल्व कर देंगे, एक प्लस है एक माइनस है, ये कैंसिल कर देंगे। अब 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, 2400 में से 1200 माइनस करेंगे क्या आएगा 1200 क्या हुआ जाएगा आपके पास 40 में से 25 माइनस करेंगे हमारे पास कितना आया 15 आया, अब इसमें से माइनस करके 1200 = 15 क्या वो इज इक्वल टू 15, इधर ये मल्टीप्लाई था इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1/80 क्या की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/80। इसको हमने क्या नाम दे दिया 6 नाम दे दिया, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हमने वैल्यू पुट कर दी 60p + 240 मल्टीप्लाई क्या की जगह हमने पुट किया 1/80 कैंसिल हो जाएगा 8 × 3 = 24 = 4 60p इधर 4 है इधर लेके आएंगे माइनस 3 4 में से 3 जाएगा 1 p = 1/60 p को हमने क्या पुट किया था 1/80
एक्स 1/x इज इक्वल टू 1/60 क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्या है, क्या इज इक्वल टू 1/y और हमारे पास वैल्यू आई 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या बोल देंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास क्या थी x, x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस हमारे पास क्या आई 80 किलोमीटर पर आवर। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी एंड चैप्टर भी कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।